हेलो एवरीवन टुडे सेशन में डिस्कस अबाउट दी टू कंसेप्ट फर्स्ट वन इज़ द एड्रेस स्पेस अलोकेशन एंड सेकंड वन इज़ द ट्रांजिशन फ्रॉम आई फोर टू आई सिक्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल द एड्रेस स्पेस अलोकेशन सो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि टाइप्स ऑफ एड्रेसेस क्या होते हैं यूनिकास्ट मल्टीकास्ट कास्ट इनिकास्ट देखा था उसके बाद हमने देखा था कि टाइप ऑफ यूनिकास्ट एड्रेस क्या क्या होते हैं ठीक है थीके? सो जैसे उसमें देखा था हमने कि ग्लोबल यूनिक ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस देखा था देन लोकल यूनिकास्ट एड्रेस देखा था देन हमने लिंक लोकल एड्रेस देखा था ठीक है सो हियर वी डिस्कस अबाउट दी सम स्पेशल पर्पस के लिए हम कुछ एड्रेस यूज़ करते हैं सम एड्रेस यूज फॉर द स्पेशल पर्पस सो जैसे यहाँ पे देखा है डबल कोलन वन स्लैश वन ट्वेंटी एट इट इज़ अ लूप बैक एड्रेस ठीक है अब डबल कोलन का मीनिंग क्या होता है क्योंकि हम आई पी वी सिक्स पढ़ रहे हैं सो इन आई पी वी सिक्स वर्जन दे रहा टोटल सिक्स सॉरी एट सेक्शन उसमें एट सेक्शन होते हैं तो डबल कोलन वन यानी यहाँ पे हमें कितने टाइम्स जीरो लिखने पड़ेंगे हमारे जीरो के सेक्शन कितने होंगे सेवन जीरो के सेक्शन होंगे और एक जो सेक्शन होगा वो होगा पर्टिकुलर वन का डेट इज़ जीरो 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 वन क्योंकि इसमें क्या होता है हमारे जो डिजिट होते हैं वो हेक्साडेसिमल में फॉर्मेट में होते हैं ठीक है और टोटल एट सेक्शन होते हैं और वन ट्वेंटी एट बिट्स का मीनिंग क्या होता है कि इट इज़ रिजर्व फॉर द नेटवर्किंग हम ये नेटवर्क के लिए ये जो रेंज है आपकी कितनी पर्टिकुलर डबल कोलन वन स्लैश वन ट्वेंटी एट इट इज़ ऑल बिट्स आर रिज़र्व यानी वन ट्वेंटी एट बिट्स जो होती है पूरी बिट्स हम रिज़र्व करते हैं किसके लिए रिजर्व करते हैं फॉर द नेटवर्क के लिए ठीक है सो आ, ये जो है आई पी फोर के अंदर भी हम लुबे एड्रेस यूज़ करते थे वो था आपका जनरली वन ट्वेंटी सेवन डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो ये रेंज रिजर्व था इन आई पी फोर के लिए अब इन आई पी सिक्स में हम लुबे एड्रेस जो होता है वो क्या होता है दैट इज़ डबल कोलन यानी सेवन टाइम्स ज़ीरो का एक के सेक्शन से रहेंगे सेवन एंड एक सेक्शन रहेगा ज़ीरो जीरो जीरो वन स्लैश वन ट्वेंटी एट इट इज़ रिजर्व फॉर द लुब्बैक एड्रेस एंड फॉर द नेटवर्किंग के लिए हम नेटवर्क के लिए इसको रिजर्व करते हैं ठीक है थीके? अब लुब्बै एड्रेस यानी क्या होता है जैसे कि फॉर एक्जाम्पल आपका कंप्यूटर है और भी कल से आपका लैपटॉप है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है ठीक है बट प्रॉब्लम यह आ रहा है कि उसमें इंटरनेट काम नहीं कर रहा है ठीक है आपने वाईफाई चेक किया लैंड केबल कनेक्टिविटी चेक किया सब प्रॉपर है फिर भी आपका इंटरनेट काम नहीं कर रहा है फिर आप इंटरनेट वाले को अगर कॉल करते हो कि हमारा इंटरनेट काम नहीं कर रहा है लेकिन वो वहाँ से बोलता है कि आ, मेरे यहाँ से तो इंटरनेट प्रॉपर वर्क कर रहा है ठीक है तो यानी आपके लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम होगा या आपके सिस्टम में कुछ एरर आ रहा होगा ठीक है तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं हम कि हम अपना नेटवर्क एंड लैन केबल कनेक्शन इन दोनों की कनेक्टिविटी को चेक करते हैं ठीक है नेटवर्क एंड द लैंड कनेक्टिविटी केबल्स जो होते हैं उसकी uh, उसकी कनेक्टिविटी को चेक करते हैं सो इट इज कॉल्ड एज अ इंटरफेस इसको हम इंटरफेस बोलते हैं एनआईसी एनआईसी कार्ड बोलते हैं ठीक है तो एनआईसी कार्ड में क्या होता है जैसे कि हमारा लैन पोर्ट होता है जिसमें हम आरजे फोर फाइव कनेक्टर अपने लैपटॉप या पीसी को लगाते हैं ठीक है सो उसके थ्रू हम चेक करते हैं कि हमारा नेट प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है ठीक है तो वो जो होता है पर्टिकुलर लैंड पोर्ट जिस पर हम आर जे फोर फाइव कनेक्टर का यूज़ करते हैं अपने लैपटॉप पे या पीसी पे लगाते हैं ठीक है यानी मेरा नेट अगर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो हम चेक करने के लिए क्या करते हैं देन वी यूज हम देखते हैं कि हमारा नेटवर्क और लैंड केबल में प्रॉपर कनेक्टिविटी है क्या प्रॉपर कनेक्शन हुआ है क्या ठीक है और सो क्या चेक करते हैं कि जो हमारा लैंड पोर्ट है जिसमें आर जे फोर फाइव कनेक्टर होता है वो हमारे कंप्यूटर को प्रॉपरली लगा है क्या उसको हम फिर से निकाल के फिर से एक लगाते हैं, ठीक है थीके? ताकि उसके थ्रू हमारा नेटवर्क या इंटरनेट वर्क करे। तो हम ये जनरली प्रोसेस करते हैं ठीक है सो जो हम बोलते हैं कि हम लाइन कनेक्टिविटी को चेक करते हैं ठीक है इज नथिंग बट द पर्टिकुलर उसको बोलते हैं इंटरफेस और इंटरफेस नथिंग बट द एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ठीक है एन आई सी जो होता है हम हमारे लैपटॉप एज वेल एज डेस्कटॉप पे लगाते हैं ठीक है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं इंटरनेट प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं वो चेक कर सकते हैं सो द लुपैक एड्रेस जो होता है ये एन आई सी कार्ड को पिन करता है या वी कैन से दैट कि एन आई सी कार्ड पे जो होता है ये लुपबैक एड्रेस होता है आपके जनरली जो एन आई सी कार्ड होता है उस पर ये लुपबैक एड्रेस होता है सो so, अगर उससे ओके okay का रिस्पॉन्स आ रहा है आपके एन आई सी कार्ड से इट मीन्स दैट आपका जो सिस्टम है और आपका हार्डवेयर है वो दोनों भी प्रॉपर काम कर रहे हैं ठीक है मतलब आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लैंड केबल कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है जैसे वो इंटरनेट वाला अगर बोलता है कि मेरे तो यहाँ से तो इंटरनेट प्रॉपर वर्क कर रहा है लेकिन आपके यहाँ पे नहीं हो रहा है तो आपके सिस्टम में प्रॉब्लम होगा आप आर जे फोर फाइव कनेक्टर को फिर से लगा के देखो इट मीन्स दैट कि क्या हो रहा है बट हम जब चेक करते हैं तो हमारे लैपटॉप में या हमारे एनआरसी कार्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि हमारा जो लुपबैक एड्रेस एन आई सी कार्ड पर पिन करता है या जहाँ पर अलॉकेटेडेडेडेडेड है वो हमें ओके अगर रिस्पॉस देता है इट मीन्स दैट आवर सिस्टम एंड आवर हार्डवेयर बोथ आर वर्क इन द प्रॉपर वे ठीक है तो एक्चुअली प्रॉब्लम कहां पे हो रहा है लाइन जिस लाइन के थ्रू इंटरेक्ट के बीट्स आते हैं या जो भी सिग्नल्स आते हैं उस लाइन में प्रॉब्लम हो सकता है या अगर हमें कोई ज़रूरत है कि नया आईपी एड्रेस कॉन्फिगर करने की के उसके कारण कुछ प्रॉब्लम आ सकता है तो ये ये पर्टिकुलर इसके कारण हमारा इंटरनेट काम नहीं कर लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे एनआईसी कार्ड के थ्रू हमारा इंटरनेट काम नहीं कर रहा है हमारा एनआईसी कार्ड जो होता है वो प्रॉपर है जिसपे ये लूपबैक एड्रेस होता है तो ये जो लूपबैक एड्रेस होता है वो हमारे एनआईसी कार्ड पे होता है जिसके थ्रू हम ये चेक कर सकते हैं कि, कि हमारा जो सिस्टम है और हमारा हार्डवेयर है उसमें प्रॉपर कनेक्टिव है या नहीं वो प्रॉपर कनेक्टिविटी प्रोसेस में है या नहीं ये चेक करने के लिए हम लुपबैक एड्रेस का यूज़ करते हैं जो होता है आपके एन कार्ड पे या वी कैन से दैट कि लुपबैक एड्रेस ही आपके एन कार्ड को पिन करता है और वो क्या करता है कि आपके कंप्यूटर का हार्डवेयर एंड आपके कंप्यूटर की सिस्टम के साथ प्रॉपर कनेक्टिविटी है या नहीं ये चेक करने के लिए हम लुपबैक एड्रेस का यूज़ करते हैं यानी मेरा एन कार्ड सही है या नहीं है ठीक है सो दिस इज़ नथिंग बट द लुपबैक एड्रेस जो कहाँ पे होता है आपके एन कार्ड पे होता है सो so, अगर इंटरनेट अगर आपका एन कार्ड भी प्रॉपर है इंटरनेट वाला बोल रहा है कि नेट भी मेरे से हिहा से प्रॉपर है इट मीन्स दैट अगर नेट नहीं चल रहा है इट मीन्स की पर्टिकुलर लाइन में कोई प्रॉब्लम हो रहा है या हमें अगर हम कोई न्यू आईपी एड्रेस को कॉन्फिगर करते हैं सो ऑन दैट प्रॉब्लम इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा है ठीक तो है तो ये जो लुपबैक एड्रेस आता है ये होता है जनरली एड्रेस इट यूज टू पिन द एन कार्ड और इट इज चेक योर सिस्टम एंड यूर हार्डवेयर इट्स वर्क प्रॉपरली और नॉट ठीक है देन सेकंड है आपका डबल कोलन फोर टाइम्स uh, uh, है कोलन जीरो कोलन जीरो स्लैश नाइन्टी सिक्स आर द आई पी फोर मैप एड्रेस ये हम मैपिंग के लिए यूज़ करते हैं ठीक है यानी अगर मुझे आई पी फोर को अगर आई पी सिक्स के साथ मैप करना है एड्रेस ट्रांसलेशन uh, करना है रिजोल्यूशन करना है सो एट दैट टाइम ये हम एड्रेस को यूज़ करते हैं इसमें भी um, जो होता है यानी आपका uh, कितने सिक्स सेक्शन जो रहेंगे वो जीरो के रहेंगे क्योंकि देखो डबल कोलन है और उसके बाद जो सेवन सॉरी uh, uh, फोर सेक्शन जो है आपके ये रहेंगे जीरो के रहेंगे देन पर्टिकुलर एफ 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 उसके बाद भी फिर से जो रहेगा अगेन टू सेक्शन ठीक है जो रहेंगे वो ज़ीरो के यानी कैसा रहेगा देखो जीरो जीरो ज़ीरो 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 जीरो ज़ीरो ज़ीरो देन जीरो 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 थ्री फोर्थ सेक्शन भी ज़ीरो का रहेगा देन फिफ्थ सेक्शन भी जीरो का रहेगा सिक्स सेक्शन रहेगा आपका एफ 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 देन सेवन सेक्शन भी जीरो का रहेगा और लास्ट सेक्शन भी जीरो 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 तो इस तरह से आपका टोटल एट सेक्शन में आपका आई पी का क्या होता है आई एड्रेस होता है तो ये हम मैपिंग के लिए यूज़ करते हैं जनरली मुझे अगर आई पी के साथ अगर मैप करना है आई पी का एड्रेस मुझे मैप और कन्वर्ट करना है आई uh, पी में दोनों के बीच में अगर मुझे कम्युनिकेशन परफॉर्म करना है अगर कम्युनिकेशन परफॉर्म तो मुझे मैपिंग करना पड़ेगा ठीक है ट्रांसलेशन परफॉर्म करना पड़ेगा सो एट दैट टाइम यूज दैट एड्रेस मैप एड्रेस मैपिंग करने के लिए ताकि हम कम्युनिकेशन आई पी सिक्स का कंप्यूटर आई पी फोर के साथ कम्युनिकेशन कर सके उसके लिए हम ये मैप एड्रेस का यूज़ करते हैं जिसमें भी नाइन्टी सिक्स जो होता है इट इज ऑल्सो रिजर्व फॉर द नेटवर्क ये नेटवर्क के लिए नाइन्टी सिक्स बिट्स जो होते हैं इसमें वो रिज़र्व होते हैं नेटवर्क के लिए और ऑल्सो इज ऑल्सो यूज फ बैक बैक एंड कम्प कॉम्पेबिलिटी जैसे हमारा आई पी सिक्स को बैक एंड कॉम्पेबिलिटी नहीं होती है ठीक है तो वो बैक uh, बैकेंड uh, या बैकवर्ड कॉम्पेबिलिटी लाने के लिए भी हम ये मैप uh, एड्रेस का यूज़ करते हैं ठीक है देन एफ ई एट जीरो सो इट इज़ अ लिंक लोकल यूनिकास एड्रेस जो हमने पहले ही देखा है जो ऑटो जनरेटेड आई पी करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं ठीक है थीके? अगर आपका एड्रेस एफ ई एट जीरो अगर आप स्मॉल में लिखो या कैपिटल लिखो बोथ आर सेम स्लैश टेन स्लैश टेन का मैंने आपको बताया था कि इट मीन्स सेवन बिट्स जो है वो कभी चेंज नहीं होगी वो प्रीफिक्स रहेंगे बाकी के जो रिमेनिंग बिट्स है वो चेंज हो सकती है सो so ये जो होता है लिंक लोकल यूनिकॉस एड्रेस जो होता है वो हम क्या करता है कि अगर आपके कंप्यूटर का आई पी एड्रेस नहीं है ठीक है और डी एस सी बी सर्वर का भी अवेलेबल नहीं है उसका यूज़ नहीं करना चाहते तो ऐट दैट टाइम यू कैन ऑटो जनरेट द आईपी अगर आप आईपी पी सिक्स वर्जन आपके कंप्यूटर में इनेबल है तो आप ये ऑटो जनरेटेड आईपी परफॉर्म कर सकते हो ठीक है या इट इज़ यूज फॉर टू जनरेट द आईपी ठीक है देन उसके बाद आता है डबल कोलन स्लैश ज़ीरो इट इज़ अ डिफ़ॉल्ट रूट डिफ़ॉल्ट रूट यानी जिस जब हम बोलते हैं कि हमें अगर कुछ रूट पता नहीं हमें रास्ता नहीं पता कि कहाँ जाना है सो एट दैट टाइम वी रिप्रेजेंट ऑल ज़ीरो सेक्शन इसमें क्या होते जो टोटल एट सेक्शन होते हैं उसमें क्या होते हैं सारे वो ज़ीरो होते हैं डिफॉल्ट रूट यानी हमें नहीं पता है कि हमें कहाँ जाना है तो हम सबसे सब राउटर सब को क्या करेंगे मैसेज भेजते हैं देखिए ताकि कोई तो राउटर में बता सके कि हमें पैकेट किस रूट्स पे भेजना है कि या किस रूट से ट्रैवल करना है ठीक है अगर मुझे डेस्टिनेशन एड्रेस पता नहीं है कि मुझे पैकेट को किस राउटर के पास या किस डेस्टिनेशन सिस्टम पे भेजना है तो हम क्या करते हैं कि सारे राउटर को हम ये जो एड्रेस होता है डिफ़ॉल्ट एड्रेस या डिफॉल्ट रूट वो क्या करते हैं ये एड्रेस को हम सिलेक्ट करते हैं ताकि हम मैसेज जो है वो सारे राउटर को बता भेजते कि मुझे पता नहीं कि मुझे ये पैकेट किस रूट से भेजना है मुझे नहीं पता है कि शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है तो ठीक है सारे रूट जब इसको इस पैकेट को देखते हैं तो उसको उसमें लिखा होता है सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस तो वो राउटर बताते हैं कि आपको अगर डेस्टिनेशन पे जाना है तो किस रूट के थ्रू जा सकते हैं या कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है तो दिस इज द डिफ़ॉल्ट रूट ठीक है देन डिफॉल्ट रूट हम बेसो ऑटोमेटिकली so, सारे राउटर पे हो जाता है एंड जिस राउटर को डेस्टिनेशन पता है वो वो राउटर उसे क्या करता है उस पैकेट उस पैकेट को एक्सेप्ट करता है और डेस्टिनेशन सिस्टम को भेजता है सो इन जनरल क्या बोले कि इसको इट इज़ अ डिफॉल्ट रूट यानी जब हमें पता नहीं है कि हमें पैकेट को डेस्टिनेशन में भेजना है लेकिन किस रूट से भेजना है मुझे शॉर्टेस्ट पाथ नहीं पता है सो एट दैट टाइम वी कैन सेंड अ पैकेट टू ऑल राउटर और जिस राउट सभी राउटर उसको एक्सेप्ट करते हैं ठीक है बट जिस राउटर को पता है कि डेस्टिनेशन एड्रेस कहाँ है वो सिर्फ उसको क्या करेगा प्रोसेसिंग करेगा बाकी सब उसको क्या कर देंगे डिस्कार्ड कर देंगे या टर्मिनेट कर देंगे। दे उसके बाद आता है आपका टु टु वन कोलन एट, कोलन थर्टी टू टू जीरो हम डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज, करें। इसका यूज होता नहीं है बट ये जो एड्रेस होता है ये हम प्रोसेस करने के लिए यूज करते हैं उसके आता है डबल एफ जीरो जीरो डबल कोलन स्लैश एट आर द मल्टीकास्ट एड्रेस ये भी हमने देखा है मल्टीकास्ट एड्रेस देखा था हमने कि अगर द नंबर ऑफ यानी द ग्रुप ऑफ पीपल को अगर मुझे कुछ डेटा सेंड करना है तो उसके लिए हम मल्टीकास्ट एड्रेस यूज़ करते हैं यानी जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि अगर टीवी चैनल है अगर न्यूज़ का चैनल है ठीक है तो इट मीन्स नॉट एट कि सारा सारी जो क्राउड है वो न्यूज़ चैनल इंटरेस्टेड है ठीक है तो जो लोग वो न्यूज़ चैनल देखने में या न्यूज़ देखने में इंटरेस्टेड है सिंपली वो लोग क्या करेंगे उस चैनल को कंटिन्यू करेंगे और बाकी जो लोग हैं वो क्या करेंगे चैनल चेंज करेंगे सो इट इज़ क्रिएटेड अ ग्रुप मल्टीकास्ट ठीक है सो इट कैन सेंड दिस एड्रेस टू द पर्टिकुलर ग्रुप हम ग्रुप को सेंड करते हैं ताकि वो पर्टिकुलर उस नेटवर्क के साथ या उस चैनल के साथ कनेक्ट हो सके तो जब भी डबल एफ डबल ज़ीरो डबल कोलन स्लैश ए एड्रेस आता है इट इज़ इट मीन्स दैट दिस एड्रेस आर यूज फॉर द मल्टीकास्ट ताकि हम पर्टिकुलर जो ग्रुप इंटरेस्टेड है वो ट्रैफिक में रहने के लिए उस या वो डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए ओनली वो ग्रुप के पीपल उस एड्रेस को क्या करते हैं असाइन करते या, या यूज करते एंड परफॉर्म द फर्दर टास्क ठीक है देन उसके आता है डबल कोलन आ, स्लैश वन ट्वेंटी इट इज़ अ अनस्पेसिफाइड एड्रेस सो जिसमें क्या होता है कि इसमें भी ऑल सेक्शन जीरोज़ होते हैं ठीक है यानी एट सेक्शन या एट सेगमेंट सारे क्या होते हैं ज़ीरो होते हैं जीरो यानी फोर जैसे फोर फोर सॉरी ज़ीरो जीरो जीरो कोलन जीरो जीरो ज़ीरो तो इसमें हर एक सेक्शन में क्या होता हैं फोर एग्जैक्ट डिजिट होते हैं बट यू नो दैट वन हेक्साडेसिमल डिजिट इज नथिंग बट द फोर बाइनरी डिजिट यानी हर एक सेक्शन में अगर हम हेक्साडेसिमल के फॉर्म में बात करते हैं तो हर एक सेक्शन में टोटल आठ सेक्शन है तो हर एक सेक्शन में फोर uh, तो जीरो होते हैं लेकिन अगर हम बाइनरी के फॉर्म में बातें करते हैं तो टोटल uh, हर एक सेक्शन में सिक्सटीन जीरो होते हैं क्योंकि वन हेक्साडेसिमल डिजिट इज नथिंग बट द फोर बाइनरी डिजिट ठीक है तो अनस्पेसिफाइड एड्रेस यानी क्या होता है कि, कि किसी काम के लिए नहीं है वो यूज नहीं हो रहा है ठीक है सो एड्रेस यानी वो किसी काम के लिए यूज़ नहीं हो रहा है या यूज़ नहीं होता है उसके लिए हम इस एड्रेस का यूज़ करते हैं सो स्पेसिफिक वर्क नहीं होता अनयूजेबल नॉट यूज जिसका हमको भी कुछ यूज़ नहीं है अनस्पेसिफाइड है जिस हमें पता नहीं कि वो किस काम के लिए है ठीक है सो इस इसके लिए हम ये अनस्पेसिफाइड एड्रेस का यूज़ करते हैं ठीक है यानी इट इज़ नॉट वर्केबल नॉट फॉर द स्पेसिफिक वर्क इसके मतलब जैसे हम मल्टीकास्ट के लिए भी एक एड्रेस होता है यूनिकास्ट के लिए होता है बट ये जो अनस्पेसिफाइड एड्रेस होता है इट इज़ नॉट फॉर द स्पेसिफिक एनी पर्पस ये किसी पर्पस के लिए है इट इज़ नॉट फॉर एनी वर्क सो इट इज जस्ट वन एड्रेस अनस्पेसिफाइड एड्रेस ठीक है और बाकी जो सारे एड्रेस हमने देखे वो हर एक का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होता है हर एक किसी ना किसी काम के लिए हम यूज़ करते हैं बट ये अनस्पेसिफाइड एड्रेस जो होता है सो इट इज़ नॉट फॉर द एनी स्पेसिफिक वर्क ठीक है सो वी कैन सी दैट इट इज़ नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक वर्क अनयूजेबल नॉट यूज़ या अन्यूजेबल होता है इसका हम जनरली यूज़ नहीं करते बट ये आपके आई पी सिक्स वर्जन में है आपके सिलेबस में इसलिए हमने इसको यहाँ पे कवर किया है ठीक है नॉट फॉर एनी वर्क इज़ नथिंग बट द अनस्पेसिफाइड एड्रेस ठीक है तो दिस इज अबाउट दी ये कुछ एड्रेस रह गए थे जो हम स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं ठीक है दिस इज़ नथिंग बट द एड्रेस पे स जिसमें हम ये एड्रेसेस को यूज़ करते हैं स्पेशल पर्पज़ के लिए देन नाउ वी डिस्कस अबाउट द ट्रांजिशन फ्रॉम आई पी फोर टू आई पी वी सिक्स कंसेप्ट अब सपोज़ अगर एक कंप्यूटर है जिसपे आई पी फोर वर्जन है और अनदर कंप्यूटर जिसपे आई आई पी वी सिक्स वर्जन है ठीक है और उन दोनों को अगर कम्युनिकेशन करना है सो उन दोनों को कम्युनिकेशन करने के लिए हम यहाँ पे तीन टेक्निक्स यूज़ करते हैं ठीक है एक होता है आपका ड्यूअल स्टैक राउटर देन टनलिंग एंड द हेडर ट्रांसलेशन सो यहाँ पे देखो द ह्यूज नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ऑन द इंटरनेट द ट्रांजिशन फ्रॉम आई पी टू आई पी सिक्स कैन नॉट हैपन सडनली सो इट विल टेक कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम बिफोर एवरी टाइम इन द इंटरनेट कैन मूव फ्रॉम आई पी फोर टू आई पी सिक्स अगर मैंने अभी जैसे आपको बताए कि आपका एक सिस्टम आई पी फोर और एक सिस्टम आई पी सिक्स है और दोनों को कम्युनिकेशन करना है तो सडनली ये कम्युनिकेशन परफॉर्म नहीं हो गया सडनली आई पी फोर आई पी सिक्स में चेंज नहीं हो जाएगा या आई पी सिक्स आई पी फोर में चेंज नहीं हो जाएगा उसको टाइम लगेगा या तो उसके लिए मुझे कुछ टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी ताकि हम क्या कर सके कि कन्वर्जन परफॉर्म कर सके आई पी फोर को आई पी सिक्स में कर सके या आई पी सिक्स को आई पी फोर में कर सके एंड देन परफॉर्म द कम्युनिकेशन टू ओवरकम दॉर्टकम प्रॉब्लम्स वी हैव फ्यू टेक्नोलॉजीज दैट कैन बी यूज टू इन्श्योर स्लो एंड स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम आई पी फोर टू आई पी सिक्स तो हमने कुछ टेक्निक्स का यूज़ किया जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं ट्रांजिशन परफॉर्म कर सकते हैं ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है कि अगर मुझे आई पी फोर के कंप्यूटर को आई पी सिक्स के कंप्यूटर के साथ अगर कम्युनिकेट करना है कम्युनिकेशन परफॉर्म करना है तो वो स्मूथली या ईजीली हो सके तो वो कैसे होगा उसके लिए हम कुछ टेक्निक का यूज़ करते हैं सो तो आपकी जो फर्स्ट टेक्निक होती है वो होती है ड्यूल स्टैक सो so, ड्यूएल uh, स्टैक ये क्या होता है देखिए जैसे कि uh, राउटर कैन can इंस्टॉल installed बोथ both पी यू फोर आई पी एड्रेसेज कॉन फिगर ऑन इट्स इंटरफेस पॉइंटिंग टू द नेटवर्क और रिलेवेंट आई अभी हम यहाँ पे अगर सपोज बोलते हैं राउटर बोलो या लैप बोलो फॉर एग्जाम्पल दोनों भी सेम है क्योंकि राउटर पर भी क्या होता है सॉरी लैपटॉप पर भी हम राउटर के थ्रू क्या करते हैं वर्किंग परफॉर्म करते हैं सपोज़ एक फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई लैपटॉप या कंप्यूटर परचेज़ किया है ठीक है और उसमें आई पी यू आई पी एस ऑप्शन होता है तो आप बोथ को इनेबल कर सकते हो ठीक है आजकल क्या होता है आजकल जो भी लैपटॉप या कंप्यूटर होते हैं दोनों पे आई पी वी सिक्स उसमें आईपी सिक्स और आईपी फोर दोनों भी वर्जन होते हैं इट मीन्स दैट डुअल स्टैक मोड में होते हैं यानी आजकल जो भी लैप या कंप्यूटर आते हैं वो जो होते हैं उसमें डुअल स्टैक मोड होता है इट मीन्स दैट उस पर आईपी वी सिक्स और आई वो जो आपका लैपटॉप होता है या कंप्यूटर होता है वो आई पी सिक्स और आई पी फोर दोनों को भी सपोर्ट करता है बहुत वर्जन उस कंप्यूटर या लैपटॉप पर होते हैं डिपेंड्स ऑन विच वर्जन के थ्रू आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो ठीक है so, सो आजकल के कंप्यूटर में डुअल स्टैक मोड होता है जिसके थ्रू आपके कंप्यूटर में दोनों भी वर्जन होते हैं आई पी फोर भी होता है आई पी सिक्स भी होता है डिपेंड्स है कि आप किस वर्जन के थ्रू कम्युनिकेशन परफॉर्म करना चाहते हो ठीक है अगर देखो इन डुअल स्टैक में क्या होता है कि अगर मेरा सोर्स डेस्टिनेशन कम्युनिकेट करना चाहता है फ़ॉर एग्जांपल अगर मैं सोर्स हूँ एंड आई वांट टू कम्युनिकेट विद डेस्टिनेशन या सर्वर सिस्टम जस्ट लाइक डब्ल्यू 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 डॉट गूगल डॉट कॉम मुझे इस सिस्टम के साथ या ये जो वेबसाइट के साथ अगर कम्युनिकेशन करना है तो मैं तो रिक्वेस्ट भेजूँगा पहले ठीक है सो so, मेरी जो रिक्वेस्ट जाएगी कि मुझे कम्युनिकेशन करना है गूगल के साथ तो मैं जब रिक्वेस्ट सेंड करूंगा तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट जो है वो कहाँ पर जाएगी डी एन एस सर्वर के पास जाएगी कि फिर डीएनएस सर्वर क्या करेगा उसको क्योंकि मैंने तो नेम लिखा है ना मैंने अल्फाबेटिकल फॉर्म में लिखा है ना डब्ल्यू 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 गूगल डॉट कॉम तो डीएनएस सर्वर क्या करेगा उस नेम को रिजॉल्व करेगा या मैप करेगा पर्टिकुलर आई पी एड्रेस में ठीक है सो so, uh, उसको क्या करेगा वो हमें सर्वर को क्या करेगा गूगल गूग सॉरी डब्ल्यू 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 डॉट गूगल डॉट कॉम का वो हमें आईपी एड्रेस देगा ठीक है आउटपुट में हमें आईपी एड्रेस देगा सो so, हमारे सिस्टम को ठीक है सो वो जो आउटपुट में आईपी एड्रेस जो देने वाला है वो आइर आई पी फोर में देता है या आई पी स में देता है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि मैं कम्युनिकेशन के लिए आई पी वर्जन फोर यूज़ करूँ या आई पी वर्जन सिक्स यूज़ करूँ क्योंकि मेरे लाइफ में तो बहुत वर्जन इनेबल है ठीक है सो आपका आउटपुट जो है या आप जो आउटपुट में आईपी एड्रेस जो मिलने वाला है वो किस वर्जन का है ठीक है तो उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि हम किस मोड को इनेबल करें और किसके थ्रू हम कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं ठीक है थीके? सो so, अगर डेस्टिनेशन अगर आई फोर यूज़ कर रहा है तो सोर्स क्या करेगा अपने आई पी वी फोर वाले सिस्टम के थ्रू डेस्टिनेशन सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन करेगा यानी वो अपना आई फोर वर्जन को इनेबल करेगा और उसके थ्रू डेस्टिनेशन सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करेंगे क्योंकि हमें जो डी ने क्या दिया आई पी फोर आउटपुट में दिया है यानी इट मीन्स दैट हमारा डेस्टिनेशन सिस्टम जो है वो आई फोर वर्जन यूज़ करता है इसलिए सोर्स को भी आई वर्जन यूज़ करना पड़ेगा ठीक है डेन सोर्स अपने कंप्यूटर सिस्टम के आ, अगर सपोज हमें आउटपुट में या डीएनएस सर्वर अगर मुझे आई पी सिक्स वर्जन देता है आईपी एड्रेस इट मींस दैट हमारा डेस्टिनेशन सिस्टम जो या गूगल डॉट कॉम ये जो हमारी वेबसाइट है वो आई पी वी सिक्स वर्जन यूज़ करती है तो सर्वर क्या करेगा सॉरी सोर्स क्या करेगा अपने कंप्यूटर या अपने लैपी का आई पी वी सिक्स वर्जन को इनेबल करेगा और उसके थ्रू क्या करेगा कम्युनिकेशन परफॉर्म करेगा ठीक है सो so, ये जो यहाँ पे जो डायग्राम बताया उसमें क्या होता है जो आई पी फोर सपोज आई पी फोर ट्रैफिक इट मीन्स दैट कि इसमें क्या होता है कि वो रिस्पांस मुझे क्या आ रहा है डीएनएस सर्वर मुझे क्या रिस्पांस देता है वो मुझे आईपी किस फॉर्मेट में दे रहा है अगर वो आई पी फोर फॉर्म में मुझे अगर आउटपुट देता है तो जो सोर्स रहेगा वो अपने कंप्यूटर सिस्टम के आई पी वर्जन को इनेबल करेगा और उसके थ्रू आई पी नेटवर्क में जाएगा और कम्युनिकेशन परफॉर्म करेगा अगर मुझे मेरा जो डेस्टिनेशन सिस्टम है या जो गूगल डॉट कॉम है वो अगर आई पी वी सिक्स वर्जन यूज़ करता है या मुझे डी एन एस ने आउटपुट में आई पी वी सिक्स की आई पी दी है तो मेरा जो सोर्स सिस्टम रहेगा वो क्या करेगा पर्टिकुलर आई पी वी सिक्स इनेबल करेगा और कहाँ पे जाएगा इस ट्रैफिक के थ्रू वो आई पी वी सिक्स नेटवर्क पे जाएगा और कम्युनिकेशन परफॉर्म करेगा तो डिपेंड्स है कि आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है डी एन एस सर्वर आपको जब मैपिंग करता है रिजॉल्व uh, करता है नेम तो न्यूमरिक आई पी एड्रेस में तो वो न्यूमरिक आई पी एड्रेस किस फॉर्मेट में है आई पी वी फोर में है या आई पी वी सिक्स में है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि सर्वर किस तरह से कम्युनिकेशन करेगा किस नेटवर्क पर जाएगा आई पी वी फोर के नेटवर्क पर जाएगा या आई पी वी सिक्स के नेटवर्क पर जाएगा तो ये जो uh, uh, अपना वो ये जो है ये जो बॉक्स ये ट्रैफिक का जो बॉक्स दिखा है यहाँ पे ठीक है आ, तो उसमें क्या होता है पर्टिकुलर रिजल्ट आता है या आउटपुट आता है पर्टिकुलर डेस्टिनेशन सिस्टम से कि वो आई फोर का है या आई सिक्स का है उसके बाद आपका जो सोर्स है वो पर्टिकुलर जिस हिसाब से रिस्पांस आता है उस हिसाब से वो पर्टिकुलर उस नेटवर्क में जाता है आई पी सिक्स में जाएगा या आई पी में जाएगा तो डुअल स्टैक राउटर का पर्पज़ क्या होता है कि वो डिपेंड्स है कि वो किस सिस्टम को किस वर्जन को इनेबल करेगा वो किस पे ऊपर डिपेंड होता है पर्टिकुलर डेस्टिनेशन सिस्टम के ऊपर ठीक है तो ये ड्यूएल स्टैक राउटर जो होता है इसके थ्रू हम क्या करते हैं इट इज़ द कनेक्टिंग डिवाइस जो हमारे ये ड्यूएल स्टैक राउटर जो होता है वो हमारे आ, ये डूएल स्टैक राउटर या डूएल स्टैक मोड जो होता है वो हमारे कंप्यूटर में इनेबल होता है ड्यूएल स्टैक यानी बोथ आई पी फोर एंड आई पी यू सिक्स बोथ आर इनेबल यानी बोथ मोड आर अवेलेबल सॉरी नॉट इनेबल अवेलेबल इन योर कंप्यूटर सो आइदर यू इनेबल आई पी फोर আৰু আই দিনি আই পি ও ছিক্স এজ পৰ দ ই'ৰ ৰিক্ৱায়াৰমেণ্ট আৰুজ পৰ দ ডিমাণ্ড অফ দ ডেষ্টিনেশ্যন সিষ্টিম ঠিকে ছ' ইট ইজ নথিং বট ডুল ষ্ট্ৰেক মোড অ ডুল ষ্ট্ৰেক ৰাউটৰ देन वही बताया डायग्राम में अ सर्वर हैव यू आई पी फॉर आईज वे आई पी ओ एड्रेस कॉन्फिगर्ड फॉर इट कैन नाउ स्पीक विद ऑल द होस्ट ऑन द बोथ द आई पी फॉर एज वेल आई पी सिक्स नेटवर्क विद दिल्प ऑफ डुअलस्टेक राउटर मैंने वही बताया कि डुअल राउटर का पर्पज क्या होता है कि वो आई पी सिक्स के मोड के थ्रू भी बात कर सकता है आई पी फोर के मोड के थ्रू भी बात कर सकता है अब डिपेंड्स है कि डेस्टिनेशन सिस्टम उसको क्या आउटपुट में सेंड करती है ठीक है देन नेक्स्ट वन इज द टनलिंग टनलिंग क्या होता है टनलिंग इसमें क्या होता है हम एक एक जनरल लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं सो so, एक पैकेट को दूसरे पैकेट में इनकेप्सुलेट करना इज़ नथिंग बट द टनलिंग ये जो हम इनकेप्सुलेशन प्रोसेस जो करते हैं एक पैकेट को दूसरे पैकेट में इनकेप्सुलेट करना हाइड करना दिस प्रोसेस इज डन विद द हेल्प ऑफ टनलिंग प्रोटोकॉल सो इट इज़ अ स्ट्रेटी यूज वैन टू कंप्यूटर यूजिंग आई पी सिक्स एंड वॉन्ट टू कम्युनिकेट विथ इच अदर एंड द पैकेट मस्ट पास टू द रीजन दैट यूजिज द आई पी फोर अब ये देखो यहाँ पे ये जो डायग्राम है ठीक है अब इसमें देखते हैं हम कि क्या होता है कि एक सोर्स सिस्टम है और एक डेस्टिनेशन सिस्टम है ठीक है आपका सोर्स सिस्टम भी है वो आई पी सिक्स वर्जन को यूज़ कर रहा है और आपका डेस्टिनेशन सिस्टम भी है वो भी आई पी सिक्स वर्जन को यूज़ कर रहा है ठीक है लेकिन बीच में जो रीजन है एक इसका है आईपी फोर का रीजन है इसमें हम जो टनल यूज किया है वो आई पी फोर का रीजन है यानी भले ही दोनों सिस्टम अगर आई पी सिक्स को यूज कर रहे हैं लेकिन उनको जिस टनल के थ्रू जाना है जिस वे से जाना है वो वे तो आईपी फोर का है तो आपको क्या करना पड़ेगा पर्टिकुलर आपका जो भी पैकेट है उसको क्या करना पड़ेगा आईपी फोर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ठीक है सो यहाँ पर क्या होता है कि देखो कि

डेटा को पेलोड बोलते हैं और आई पी फोर में हम नॉर्मल डेटा बोलते हैं तो जो भी हमारा इसमें दो पार्ट होते हैं ना एक एनवलप होता है और एनवलप के अंदर लेटर तो हेडर इज नथिंग बट द एनवलप और पेलोड इज नथिंग बटिंग द वो जो लिस्ट uh, बोलते हैं या जो भी लेटर होता है इज़ नथिंग बट द डेटा ठीक है तो हमारा जो हेड हमारा जो पैकेट होता है ठीक है उसको हम क्या करेंगे इनकैप्सुलेट करेंगे आई पी फोर हेडर में ठीक है यानी हमारा जो एनवलप है ठीक है उस एनवलप के ऊपर और एक एनवलप लगाएंगे जो होगा आपका आई पी वी फोर हेडर का ठीक है जिसके थ्रू क्योंकि हमारा जो रीज़न है वो रीज़न कौन सा है आपका आई पी वी फोर रीजन है इसलिए हमने क्या किया टनलिंग यानी क्या होता है इनकेप्सुलेशन करना तो हमने आई पी वी सिक्स के पैकेट को इनकेप्सुलेट किया आई पी वी फोर के पैकेट में एंड देन पासिस थ्रू द पर्टिकुलर डेस्टिनेशन सिस्टम और जैसे वो डेस्टिनेशन सिस्टम के पास जाएगा टनलिंग आई पी फोर का जहाँ पे रीजन ख़त्म हो जाएगा तो इमीडिएटली क्या हो जाएगा सडनली क्या हो जाएगा कि आई पी फोर का जो इनकेप्सुलेशन किया था हमने जो पैकेट लगाया था वो हेडर लगाया था हमने वो हेडर वहाँ से रिमूव हो जाएगा और जैसा सोर्स ने डेटा भेजा था वो एज यूजल एज इट इज़ डेटा डेस्टिनेशन को मिल जाएगा ठीक है जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं अगर हम किसी रेस्क्यू uh, सिस्टम में जाते हैं अगर मुझे कुछ फायर इंजन का कुछ देखना है कुछ भी पर, देखना है तो हमें पूरा हम तो प्रॉपर ड्रेसअप में जाते हैं लेकिन हम फिर से वहाँ पे जाने के बाद आपको कुछ प्रॉपर कोट देंगे गॉगल देंगे या कुछ भी देते हैं सिक्योरिटी पर्पज़ के जो भी आपको क्लोथ देते हैं तो जब आप वो रेस्क्यू सिस्टम को या फायर प्रोसेसिंग को जब आप देखते हो और जब बाहर आते हो तो आपको क्या बोलते हैं पर्टिकुलर आप वो जो गॉगल दिए है जो हैंड ग्लोव दिए या जो जैकेट दिए वो निकालने को बोलते हैं ठीक है इट मीन्स दैट और आप जैसे आए थे जिस प्रॉपर ड्रेसअप में आए थे वो ड्रेसअप में ही आप क्या करते हो उस कंपनी के बाहर निकलते हो सो सिंपल दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल वही बोला है कि आपका पैकेट जो आई पी में है और जब वो आई पी के रीजन से जाता है तो वो आपको बोलता है कि प्रॉपर अगर आप रेस्क्यू सिस्टम में जा रहे हो अगर फायर प्रोसेस को देखना है तो आपको जैकेट पहनना पड़ेगा गॉगल पहनने पड़ेंगे हैंड ग्लोव सारा सारा कुछ सिक्योरिटी प्रोटेक्शन पहनना पड़ेगा ठीक है यानी हमने वही किया है कि हमारे जो पैकेट को आई पी हेडर से इनकेपलेट कर दिया है यानी हमारे हमने अपने आप को हमने प्रॉपर ड्रेसअप पहना है फिर भी उसके ऊपर हमने जैकेट पहना हमने अपने आप को क्या किया है इनकेट किया है ठीक है जैसे हम उसको विजिट करके बाहर आते तो हम हम जैकेट निकालते हैं गॉगल हैंड ग्लोव सब कुछ निकाल के और जिस ड्रेसअप में हम आए थे उस ड्रेसअप में जाते हैं उसी तरह से जब आपका पैकेट पर्टिकुलर डेस्टिनेशन सिस्टम को पहुंच जाता है तो क्या करेगा वो जो हेडर लगाया था आईपी फोर का वो रिमूव कर देगा और जो जैसा एज यूजल आपका पैकेट था उस पैकेट को वो क्या करेगा डेस्टिनेशन तक रीच हो जाएगा दिस इज नथिंग बट द टनलिंग कंसेप्ट इसको हम क्या बोलते हैं टनलिंग बोलते हैं ठीक है वो यहाँ पे लिखा है मैंने इट सीम्स एज द पैकेट गोज टू द टनल एट वन एंड एंड इमर्ज एट द अदर एंड टू मेक इट क्लियर दैट आई पी फोर पैकेट इज कैरिंग द आई पी सिक्स पैकेट एज अ डेटा ठीक है तो वो क्या जब हम पर्टिकुलर जब उसको ये रीजन जब होता है इस रीजन में जब उसको इनकेप्सुलेट करते हैं टनल में आई पी फोर रीजन यानी टनल उसमें जब हम टनलिंग इतना बट इनकेप्सुलेशन तो जब हम आई पी सिक्स का जो हेडर या डेटा होता है पैकेट होता है उसको जब हम इंकैपलेट करते हैं आई फोर हेडर में तो आई फोर हेडर उसको क्या कंसिडर करता है या वो जो रीज़न क्या कंसिडर करता है कि आई पी फोर का हेडर है और उसके अंदर जो है वो पर्टिकुलर आई फोर का ही डेटा है उस तरह से उसे ट्रीट किया जाता है जैसे यहाँ पे देखो लिखा है कि इट सीम ऐट द पैकेट गो थ्रू द टनल जब पैकेट आपका टनल से जाता है एट वन एंड एट इमर्ज एट द अदर एंड और वो जब अंदर एंड पे रीच होता है सो इट मेक्स क्लियर दैट आई पी फोर पैकेट इज कैरिंग हैज अ आई पी आई पी सिक्स पैकेट एज अ डेटा वही बोला कि आई पी फोर पैकेट के अंदर हमने आई पी सिक्स का डेटा को क्या किया है इनकैप्सुलेट किया है आई पी सिक्स टनलिंग इज अ टेक्निक फॉर एस्टैब्लिश अ वर्चुअल लिंक टनल इज नथिंग बट एक वर्चुअल लिंक होता है ठीक है इस टनल के थ्रू तो हमारा डेटा क्या होता है सिक्योर वे में ट्रांसमिट होता है बिटवीन द टू आई पी सिक्स नोट्स और टू क्योंकि ये भी हमारा हॉस्ट जो है सॉरी uh, होस्ट है सोर्स होस्ट भी आई पी ज़ कर रहा है और डेस्टिनेशन होस्ट भी हमारा आई पी सिक्स यूज़ कर रहा है ठीक so, है सो वो आई पी वी सिक्स यूज़ करें लेकिन रीजन जो है हमारा आई पी फोर है सो फॉर दैट परपज़ हमें क्या करना पड़ रहा है टनलिंग प्रोटोकॉल यूज़ करना पड़ रहा है और हमें पर्टिकुलर इनकेप्सुलेशन परफॉर्म करना पड़ रहा है ताकि हम हमने आई पी सिक्स को इनकेप्सुलेट किया आई पी फोर में ठीक है और जब वो डेस्टिनेशन पर रीच हो जाएगा तो आई पी फोर का जो इनकेप्सुलेशन है वो निकल जाएगा और एज इट इज़ डेटा आई पी सिक्स फॉर्मेट में डेस्टिनेशन को रीच हो जाएगा ठीक है नहीं उसके बाद है हेडर ट्रांसलेशन सो हेडर ट्रांसलेशन यानी हेडर इज़ नथिंग बट हम क्या बोलते हैं एनवला बोलते हैं हेडर एक इन्वेल्प होता है जिसके अंदर जो पेलोड होता है वो हमारा डेटा होता है जो जो हमारा लेटर होता है ठीक है यहाँ पे हम क्या करते हैं सिंपल हेडर को बदल बदलते हैं ठीक है सपोज़ आपकी सिस्टम में आई पी फोर यूज़ कर रही है एंड जिसके साथ आप कम्युनिकेशन कर रहे हो वो सिस्टम सपोज आई पी वी सपोज़ आपकी सिस्टम आई पी फोर यूज़ कर रही हो और आप जिसके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो वो आपका आई पी सिक्स यूज़ करे तो उन दोनों के में अगर कम्युनिकेशन परफॉर्म करना है उन दोनों के बीच में अगर मुझे प्रॉपर कम्युनिकेशन करना चाहिए करना है सो एट दैट टाइम हम क्या करेंगे बीच में हेडर ट्रांसलेशन डिवाइस लगाएंगे जिसके थ्रू डिवाइस लगाएंगे और वी कैन से दैट हेडर ट्रांसलेशन डिवाइस को इनेबल करेंगे इसका काम क्या होगा कि जो भी आ, पैकेट आएगा ठीक है उसको क्या करेगा सपोज मेरी सिस्टम जो है वो आई पी फोर को सपोर्ट करिए तो वो जो पैकेट सेंड करेगी ऑफकोर्स वो आई पी फोर में होगा ठीक है यानी उसमें आई पी फोर का हेडर होगा और उसके बाद उसमें डेटा होगा ठीक है तो जब भी वो डेटा या जो भी वो आई पी फोर का पैकेट है आई पी सिक्सटी सिक्स के सिस्टम के पास जाएगा तो बीच में जो हेडर ट्रांसलेशन है जो डिवाइस होगा ना वो क्या करेगा उसको उसका हेडर रिमूव कर देगा आई पी फोर का और उसके ऊपर किसका हेडर लगा देगा आई पी व्यू सिक्स का हेडर लगाएगा ठीक है हेडर इज़ नथिंग बट द एनवेलप जिसके ऊपर होता है टू एंड फ्रॉम जैसे हम लेटर लिखते हैं तो जो एनवलअप में लिखा होता है ना एड्रेस कहाँ से आया और कहाँ पर जाएगा टू एंड फ्रॉम इज़ नथिंग बट द पर्टिकुलर दी हेडर ठीक है तो हेडर ट्रांसलेशन डिवाइस का काम क्या होता है कि वो क्या करता है हेडर को बदलता है हेडर को एक्सचेंज करता है और हेडर क्या होगा डिपेंड्स ऑन द डेस्टिनेशन सिस्टम ठीक है यानी किस डेस्टिनेशन सिस्टम पे मुझे पैकेट सेंड करना है और वो डेस्टिनेशन सिस्टम किसको सपोर्ट करता है अगर वो आई फोर को सपोर्ट करता है ठीक है तो क्या करेगा उसको आई फोर का हेडर लगाएगा अगर वो आई सिक्स को सपोर्ट करता है तो ये हेडर ट्रांसलेशन डिवाइस जो होता है वो आई पी फोर आई सिक्स का हेडर लगाता है ठीक है सो हेडर ट्रांसलेशन इज़ अ नेसेसरी वेन द मेजोरिटी ऑफ द इंटरनेट हैज़ मूव टू आई सिक्स बट सम सिस्टम्स स्टिल यूजेज द आई फोर ठीक है यानी अभी भी बहुत सारे सिस्टम जो है वो आई फोर यूज़ करते इसलिए हम बोलते हैं कि अगर मेरा सोर्स अगर आई फोर यूज़ कर रहा है और डेस्टिनेशन अगर यूज़ कर रहा है तो दोनों में कम्युनिकेशन कैसे होगा ठीक है अगर कम्युनिकेशन करें तो मुझे मैपिंग करना पड़ेगा मुझे ट्रांसलेशन परफॉर्म करना पड़ेगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे जनरली यहाँ पे टनलिंग कंसेप्ट यूज़ नहीं होगी टनलिंग कब यूज़ होती है जब देखो ये मैं डायग्राम बताती हूँ यहाँ पे यहाँ पे देखो आपका जो सोर्स है वो आई पी सिक्स यूज़ कर रहा है और डेस्टिनेशन आई पी ई फोर यूज़ करें तो यहाँ पे टनलिंग यूज़ नहीं हो सकती अब यहाँ पे देखो आपका सोर्स भी आई पी सिक्स यूज़ कर रहा है और डेस्टिनेशन भी आई पी सिक्स यूज़ कर रहा है वेन बोथ सिस्टम सपोर्ट द सेम वर्जन आइर आई पी वी फोर और आई पी वी सिक्स सो एट दैट टाइम यूज़ द टनली अगर दोनों आई पी वी फोर यूज़ करते हैं और हमारे बीच का रीजन अगर आई पी वी सिक्स होता तो हम आई पी वी सिक्स के हेडर के अंदर आई पी वोर का पैकेट इनकेपुलेट करते हैं बट अब यहाँ पे कैसा है दोनों सिस्टम हमारी आई पी वी सिक्स है लेकिन जो जिस रीजन से वो जाने वाली है जिस रूट से वो जाने वाली है वो रूट तो आई पी वी फोर का इसलिए हमने क्या किया है कि जो भी पैकेट आया था सोर्स की तरफ से उसको हमने इंकैकुलेट किया था आई पी वी फोर के पैकेट में बिकॉज रीजन इज़ द आई पी फोर तो ये यहाँ पे पॉसिबल है लेकिन हेडर ट्रांसलेशन में पॉसिबल नहीं क्योंकि हमारी एक सिस्टम आई पी सिक्स यूज़ कर रही है और अन सिस्टम आई पी फोर यूज़ कर रही हो सो इन दैट सिचुएशन टनलिंग कन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ नहीं होगी तो हम यहाँ पे हेडर ट्रांसलेशन डिवाइस को इनेबल करते या डिवाइस का यूज़ करते जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि यह डिवाइस क्या करता है कि जो भी आपका सोर्स सिस्टम पैकेट सेंड कर रहा है वो क्या करेगा अगर वो आपका सोर्स सिस्टम आई पी सिक्स को सपोर्ट करता है तो उसका पैकेट में भी क्या होगा एनवलप भी आई पी वी सिक्स का होगा और डेटा तो एज तो नॉर्मल डेटा रहेगा लेकिन जो एनवलअप होगा वो आई पी सिक्स के फॉर्म में होगा ठीक है तो जब और वो जो एनवलप है या जो भी मुझे पैकेट है वो आई पी फोर सिस्टम uh, फोर को जो सिस्टम सपोर्ट करती है उसको सेंड करना है तो ये डिवाइस ट्रांसलेशन क्या करेगा कि जब भी डेटा उसके पास आएगा तो ये डिवाइस ट्रांसलेशन क्या करेगा उसको उसका हेडर रिमूव कर देगा और आई फोर का हेडर को अप्लीकेबल करेगा ताकि जो डेस्टिनेशन सिस्टम है उसको समझ सके और उसको क्या कर सके रीड कर सके ठीक है यानी पर्टिकुलर हम क्या करें कन्वर्ट करें ताकि हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर हो सके क्योंकि हमारी सिस्टम को अगर आई पी वी सिक्स पता ही नहीं है डेस्टिनेशन सिस्टम को तो वो समझ ही नहीं पाएगा और डिस्कार्ड कर देगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए उसने वो पैकेट को एक्सेप्ट करके उसके साथ कम्युनिकेशन परफॉर्म करना चाहिए तो कम्युनिकेशन तभी होगा जब उसको वो लैंग्वेज समझ में आएगी ठीक है तो लैंग्वेज समझ में आने के लिए हमें क्या करना है और उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर आप उस लैंग्वेज में कन्वर्ट ही नहीं करोगे तो वो आगे वाले पर्सन को तो लैंग्वेज समझ में ही नहीं आएगी कि आप क्या बात कर रहे हो इसलिए हेडर ट्रांसलेशन डिवाइस का काम क्या होता है कि जो भी सोच डेटा सेंड करता है ठीक है अगर उसका वर्जन और डेस्टिनेशन सिस्टम का वर्जन दोनों भी मैच नहीं है इसका वर्जन फोर है उसका वर्जन सिक्स है तो कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होगा तो इसमें हेडर ट्रांसलेशन क्या करेगा कि जो भी आपके पास पैकेट आएगा ठीक है तो उसका वो हेडर रिमूव कर देगा और वो क्या करेगा पर्टिकुलर आई फोर का हेडर वहाँ पे अप्लाई करेगा तो ये जो मैपिंग प्रोसेस होती है उसके लिए भी हम कुछ रूल्स यूज़ करते हैं जैसे कि आ, हम क्या करते हैं कि जो प्रायोरिटी फील्ड होती है उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं सर्विस टाइप फील्ड को ज़ीरो कर देते हैं देन हम चेकसम कैलकुलेट करते हैं करस्पॉन्डिंग फील्ड का फ्लो लेबल फील्ड को इग्नोर कर लेते हैं ये जो सारी फील्ड्स है मैंने जैसे बताया अभी आपको फ़्लो लेबल सर्विस टाइप देन प्रायोरिटी फील्ड ये सारी फील्ड होती है आपकी हेडर फील्ड और ये हम सब पढ़ने वाले अभी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डेट इज द हेडर फॉर्मेट ऑफ द आई पी वी सिक्स तो उसमें ये सारी फील्ड आपको पता चल जाएगी कि इसका पर्पज क्या होता है बट जब हम मैपिंग करते हैं सो एट दैट टाइम हम ये सारी फील्ड को किसी फील्ड को हमें इग्नोर करना पड़ता है किसी फील्ड को सेट जीरो करना पड़ता है किसी फील्ड को हमें क्या करना पड़ता है डिस्कार्ड करना पड़ता है तो ये सारे हमें रूल्स को फॉलो करना पड़ता है ठीक है सो अभी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि ये सारे फील्ड जो होती है वो हेडर की फील्ड होती है ठीक है हेडर फॉर्मेट की फील्ड होती है और वो हर एक फील्ड का क्या मीनिंग होता है क्या पर्पज होता है वो अभी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे तो ये होता है आपका हेडर ट्रांसलेशन सो हेडर ट्रांसलेशन यूजेज द मैप एड्रेस टू मैप एड्रेस टू ट्रांसलेट आई पी वी सिक्स एड्रेस टू आई पी फोर एड्रेस सो रूल्स आर यूज इन ट्रांसफॉर्मेशन मैंने अभी बताया आपको कि अगर आपको मैपिंग करना है बाय यूजिंग द हेडर ट्रांसलेशन मोड के थ्रू तो हमें क्या कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं यानी हमें कुछ फील्ड को डिस्कार्ड uh, करना पड़ेगा इग्नोर करना पड़ेगा किसी को जीरो करना पड़ेगा कैलकुलेट चेकसम कैलकुलेट करना पड़ेगा तो ये सारे रूल्स को हमें क्या करना पड़ता है फॉलो करना पड़ता है और तभी हम मैपिंग परफॉर्म कर सकते हैं ठीक है सो so, वो जो फील्ड है वो सारी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि क्या होता है दिस इज अबाउट द हेडर ट्रांसलेशन तो हमने ट्रांसलेशन यानी क्या होता है कि अगर मुझे दो सिस्टम को कम्युनिकेट करना है कम्युनिकेशन परफॉर्म करना है लेकिन बहुत सिस्टम यूज डिफरेंट डिफरेंट वर्जन ऑफ आईपी, एक आईपी फोर यूज़ कर रहा है और आई पी सिक्स यूज़ कर रहा है तो इन दोनों के बीच में अगर मुझे कम्युनिकेशन परफॉर्म करना है सो एट दैट टाइम वी यूज द दिस थ्री टेक्निक हम ये तीन टेक्निक का यूज़ करते एक होता है ड्यूल स्टैक दूसरा होता है टनलिंग और एक होता है हेडर ट्रांसलेशन सो इन तीन इन थ्री टेक्निक के थ्रू एज़ पर द रिक्वायरमेंट हम ये किसी एक टेक्निक का यूज़ करते हैं और दोनों सोर्स और डेस्टिनेशन सिस्टम के बीच में हम कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं फिर भले वो आई फोर की सिस्टम हो और ये आई सिक्स की सिस्टम हो या दोनों भी कॉन्ट्रास्ट हो ठीक है तो हम यहाँ पे जो कम्युनिकेशन का जो प्रॉब्लम था कि पहले आई पी फोर यूज़ कर रहे थे लेकिन अभी तो बहुत सारे सिस्टम आई पी सिक्स यूज़ कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन कैसे होगा क्योंकि तो अभी भी सारे कंप्यूटर आपका आई पी सिक्स नहीं यूज़ कर रहे ना मोस्ट ऑफ दी अभी भी आई पी फोर में ही वर्क कर रहे और अभी अभी कहा ही तो शुरू हुआ है आई पी सिक्स का यूज़ करना तो अगर मुझे आई पी फोर का आई पी सिक्स का कम्युनिकेशन करना है वो भी प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए तो हम ये ट्रांसलेशन मैकेजम के थ्रू या ये ट्रांसलेशन टेक्निक के थ्रू जो भी तीन टेक्निक हमने देखी उसके थ्रू हम कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं ठीक है सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो थैंक यू